subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. होम ऑटोमेशन का प्रोजेक्ट जो कि हम बना रहे हैं, उसमें आर्डिनो को प्रोग्राम करने के लिए एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है जिसका नाम है आर्डिनो आईडीई, जो कि ऑफिशियल आर्डिनो का सॉफ्टवेयर है जिससे आर्डिनो को प्रोग्राम किया जाता है। तो उसको इंस्टॉल करने के लिए आपको गूगल क्रोम में जाना है। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद आपको यहाँ टाइप करना है आर्डिनो आईडीई डाउनलोड। इसे टाइप करने के बाद जो सबसे पहली वेबसाइट आती है उस पर आपको क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे आर्डिनो आईडीई 1.8.19 मिलेगा। और अगर आप मेरी वीडियो बाद में देख रहे हैं कुछ दिनों बाद, तो ये अपडेट हो सकता है। और इसको इंस्टॉल करने के लिए आपको विंडोज़ 7 एंड न्यू ईयर विंडोज़ वाले पे दबाना है और यहाँ पे जस्ट डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप जस्ट डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, आपकी डाउनलोड चालू हो जाएगी और आप उसे वहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। मैंने इसे पहले से इंस्टॉल करके रखा है, तो मैं अपनी डाउनलोड कैंसिल कर देता हूँ। मैंने अपना आर्डिनो आईडी पहले से इंस्टॉल करके रखा है, तो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। तो हमारा आर्डिनो आईडी ओपन हो रहा है। तो हमारा आर्डिनो आईडी ओपन हो चुका है। इसमें जो भी ये लिखा है इसको हम लोग इरेज कर देंगे, और जो कोड मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है उसे आप कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे पूरा। ये इसकी स्टार्टिंग है और ये इसकी एंडिंग है। तो आपको सबसे पहले अपना आर्डिनो बोर्ड है उसको अपने लैपटॉप या पीसी, जिससे भी आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, उससे कनेक्ट कर लेना है। तो मैं अपने आर्डिनो बोर्ड को पीसी से कनेक्ट कर लेता हूँ। मैंने अपने आर्डिनो बोर्ड को जैसे ही अपने पीसी से कनेक्ट किया, उस पर दो एलईडी जलने लगी हैं, एक ऑरेंज और एक ग्रीन। जैसे ही आप अपना आर्डिनो बोर्ड अपने पीसी से कनेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद आपको टूल्स ऑप्शन पर जाना है। वहाँ से आपको अपना बोर्ड सिलेक्ट करना है, आर्डिनो ऊनो। तो मेरा ऑलरेडी सिलेक्टेड है। यहाँ पर आपको पोर्ट सिलेक्ट करना है, कौन से कॉम वाले पोर्ट में आपका आर्डिनो लगा हुआ है। वैसे तो ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है कि वो कौन से पोर्ट में है। अगर ना करे तो आप इसको यहाँ से चेक कर सकते हैं। विंडोज़ बटन पे जाके राइट क्लिक करना है और आपको ओपन करना है डिवाइस मैनेजर। डिवाइस मैनेजर जैसे ही ओपन होगा, आपको यहाँ पे पोर्ट्स कॉम एलपीटी करके एक ऑप्शन दिखेगा, इसको आपको खोलना है। और यहाँ पे जो भी पोर्ट लिखा है, कॉम पोर्ट 3, 4, 5, 6 जो भी लिखा है, उस पोर्ट को आपको यहाँ टूल सेक्शन से सिलेक्ट कर लेना है और अपना आर्डिनो बोर्ड सिलेक्ट कर लेना है। और जैसे ही आप ये सब कर लेते हैं, आपको इस कोड को वेरीफाई करना है। मैं अपने कोड को वेरीफाई कर देता हूँ। इसको आप सेव ना भी करें तो भी चलेगा। तो ये कोड
कंपाइलिंग स्केच करके लिख के आ रहा है, लेकिन ये वेरीफाई हो रहा है कि पूरा कोड सही है, कोई गलती तो नहीं। तो यहाँ लिख के आ गया है डन कंपाइलिंग, मतलब मेरा पूरा कोड बिल्कुल सही है या इसमें कोई भी चीज़ गलत नहीं है। अगर आपको यहाँ डन कंपाइलिंग लिख के नहीं आता है तो इसका मतलब है आपके कोड में कोई प्रॉब्लम है। तो मैंने अपना आर्डिनो बोर्ड पहले से कनेक्ट करके रखा है, जैसा कि आप सब देख सकते हैं। मैं इसको अपलोड कर दूंगा अपने आर्डिनो बोर्ड पे। तो ये अपलोड का बटन है, इस पर मैं क्लिक करूंगा, इसको कैंसिल कर देंगे। तो इस पे दो एलईडी ब्लिंक करने लगी हैं जब ये अपलोड होता है, और लिख के आ चुका है डन अपलोडिंग। तो अब मैं अपने आर्डिनो बोर्ड को अनप्लग कर लेता हूँ अपने पीसी से। तो अब मेरा आर्डिनो बोर्ड प्रोग्राम हो चुका है। तो अब हम करेंगे अपने आर्डिनो बोर्ड की वायरिंग। आर्डिनो को प्रोग्राम करने के बाद उसकी वायरिंग कर लेते हैं। सबसे पहले HC05 ब्लूटूथ मॉड्यूल को आर्डिनो के साथ कनेक्ट करेंगे वॉइस के थ्रू। और एक इम्पोर्टेंट बात, जब आप प्रोग्रामिंग करेंगे आर्डिनो की, तो आपको इसकी वायरिंग जब आप करें, वायरिंग के साथ आपको इसकी प्रोग्रामिंग नहीं करनी है वायरिंग करते करते, क्योंकि अगर आप इसमें वायरिंग करके प्रोग्रामिंग करेंगे तो प्रोग्राम अपलोड नहीं होगा और एरर आएगा। मेरे साथ भी हुआ था, जब मैंने अपने पहली बार ये प्रोजेक्ट बनाया था तो मेरे साथ भी एरर आया था। उसके बाद मैंने उसे नोड एमसीयू से बना लिया था, और मेरे चैनल पे नोड एमसीयू की होम ऑटोमेशन की वीडियोस भी आने वाली हैं, तो मेक श्योर आपने इसे सब्सक्राइब करके रखा है। ओ, इसकी वायरिंग हो चुकी है। ब्लैक वायर है VCC, और इसे हमें देना है 3.3 वोल्ट से लेके 6 वोल्ट तक। ब्लैक कलर का वायर VCC, वाइट ग्राउंड, ग्रे TXD और पर्पल RXD। पर्पल जो RXD है वो आर्डिनो के TXD में हो जाएगा। ध्यान से सुनिए कि RXD है क्योंकि पर्पल जो कि ब्लूटूथ मॉड्यूल का है वो इसके RX में कनेक्ट होगा। पर्पल वाला मतलब इसमें उल्टा है, आर्डिनो जो इसका RX है वो उसके TX में होगा, और इसका जो TX है वो उसके RX में होगा। तो पर्पल कलर का वायर RX में लगेगा। और उसके बाद ग्रे कलर का वायर जस्ट उसके बगल में TX वाले पॉइंट में लगा देंगे। ये आर्डिनो बोर्ड से सिग्नल वाइज तो कनेक्ट हो गया, पर इसको पावर देने के लिए आर्डिनो बोर्ड की दूसरी साइड में वाइट वाले को ग्राउंड में लगा देंगे, और जो ब्लैक वाला है उसे 3.3 वोल्ट में या फिर 5 वोल्ट में लगा देंगे। 5 वोल्ट में लगा लेता हूँ। जो ब्लूटूथ मॉड्यूल है हमारे आर्डिनो बोर्ड के साथ सक्सेसफुली कनेक्ट हो गया है। इसको हम साइड में रख के अब वायरिंग करेंगे रिले मॉड्यूल की। मैं अपना कैमरा जरा एडजस्ट कर लेता हूँ फोकस करने के लिए। पहले VCC और ग्राउंड पिन के वायर्स जोड़ लेते हैं, रेड VCC और ब्लैक ग्राउंड।
ये दोनों वायर हो चुके हैं कनेक्ट। अब फोर वायर्स जो हैं इसके सिग्नल वाले वो जोड़ेंगे, ऑरेंज और येलो हो जाएंगे इन वन और इन टू। ऑरेंज वाला होगा इन वन, येलो वाला होगा इन टू। ग्रीन वाला होगा इन थ्री और ब्लू वाला होगा लास्ट इन फोर। बीच के जो ये पिंस रहती हैं, ये सब सिग्नल पिंस रहती हैं, वो इसमें हो चुका है कनेक्ट। इसको आर्डिनो से कनेक्ट करेंगे। अब ये रहा आर्डिनो, सबसे पहले पावर के वायर कनेक्ट कर देते हैं। जो ब्लैक वायर है उसको तो ग्राउंड में कनेक्ट कर देंगे, जो ग्राउंड है। और जो रेड वायर है उसको 3.3 वोल्ट में कनेक्ट कर देंगे। इसको कनेक्ट करने के बाद ब्लैक वायर हो चुका है कनेक्ट ग्राउंड से और रेड वायर करेंगे 3.3 वोल्ट से। और इसको पावर मिल चुकी है और ये जो वायर बचते हैं चार, इसका जो ऑरेंज वाला है उसको पिन थ्री से कनेक्ट करेंगे जो कि इन वन है, इन वन को पिन थ्री से, इन वन को पिन थ्री से। येलो वाला इन टू का वायर है उसको फोर से, येलो वाले को फोर से जो कि इन टू है, पिन नंबर फोर से कनेक्ट कर देंगे। ग्रीन वाला वायर है उसको फिफ्थ वाले से कर देंगे जो कि इन थ्री है। और जो लास्ट बचता है ब्लू कलर का जो कि इन फोर है, फोर्थ रिले के लिए, और ये हो जाएगा सिक्स्थ वाले को कनेक्ट। हमारा पूरा सेटअप तैयार हो चुका है। ये रहा रिले मॉड्यूल, ये रहा ब्लूटूथ मॉड्यूल और ये रहा आर्डिनो। इन तीनों को मैं रख लेता हूँ और इसको पावर देने के लिए मैं यूज़ करूँगा एक MI के पावर बैंक का। इस MI के पावर बैंक का मैं यूज़ करूँगा अपने आर्डिनो के सर्किट और होम ऑटोमेशन के प्रोजेक्ट को पावर देने के लिए। आप इसे किसी अडेप्टर से भी दे सकते हैं, इस तरह के अडेप्टर से, लेकिन अभी मेरे पास अडेप्टर के लिए वायर नहीं है इतनी लंबी, तो मैं इसको पावर बैंक से पावर दे देता हूँ। पूरे प्रोजेक्ट में LEDs चालू हो गई हैं। HC05 मॉड्यूल में रेड LED चालू हो चुकी है। रिले मॉड्यूल की ये जो फोर LEDs हैं, फोर अप्लायंसेस को कंट्रोल करके इंडिकेट करती हैं। और ये जो आर्डिनो की LED हैं, ये बताती हैं कि आर्डिनो में पावर आ रही है या नहीं। हमारा पूरा सर्किट है, ये टोटल पूरा सर्किट बनाया है हमने। इसको अब मैं आपको मोबाइल से कंट्रोल करके दिखाऊंगा।
तो जो ये एक एक एलईडी आपको रिले मॉड्यूल में दिख रही है, ये एक एक रिले को रिप्रेजेंट करती है। इसके फर्स्ट टू पॉइंट्स में आप कोई भी अप्लायंस स्विच के टाइप से जोड़ेंगे तो ये बिल्कुल स्विच की तरह काम करेगा। तो सबसे पहले मैं अपने दूसरे मोबाइल से HC05 को कनेक्ट करके दिखाता हूँ। ये मैंने अपना मोबाइल खोल लिया है। इसमें अपन जैसे ही ये करेंगे तो ये मांगेगा कि एक पिन डालो। तो अगर आपने नया लिया है और पिन चेंज नहीं किया है तो इसका पिन है 1234 और ये पेयर हो जाएगा। और अब मैं सबसे पहले अपना आर्डिनो का ऐप, इसका ऐप डायग्राम, अगर आपको वायरिंग में प्रॉब्लम होती है, ऐप डायग्राम और कोडिंग सब डिस्क्रिप्शन में रहेगी। मैं इसको अपने मॉड्यूल से कनेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ लिख के आया कनेक्टेड HC05। तो जो ये एक एक एलईडी है रिप्रेजेंट करती है एक एक लाइट को, मतलब एक एक अप्लायंस स्विच टाइप का। तो जैसे मैंने इसको चालू किया, इसको बंद किया, ये डिफ़ॉल्ट चालू ही रहती हैं। अब मैं अपनी फर्स्ट एलईडी को सेकंड से लेके फिफ्थ तक ये काम करता है। तो फर्स्ट एलईडी चालू करी, फर्स्ट अप्लायंस बंद करके चालू कर दिया। इसमें टाइमर भी लगा सकते हैं कि अप्लायंस कितनी देर चलता है और फिर अपने आप बंद हो जाएगा। तो ये सेकंड अप्लायंस, ये थर्ड अप्लायंस और ये फोर्थ अप्लायंस। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक कर दें।